दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम आए हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं केमिस्ट्री के प्रोफेसर साहब, क्या नाम हो गया सर? विनय कुमार जी। और हमारे साथ हमारे बड़े भैया शैडो स्टूडियो के मालिक हैं और अपने ज़माने में BSK कॉलेज का GS भी रह चुके हैं, ये भी जान लीजिए आप लोग। तो हम चाहते हैं कि वार्म स्नैक के बारे में कुछ आपको ज्ञान दें। कैमरा को लेके आइए। बहुत सारे व्यूअर सब्सक्राइबर चाहते थे कि हमें वार्म स्नैक के बारे में कुछ बताइए। तो सर, इसे हम तेलिया सांप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तेलिया सांप। थोड़ा सा कैमरा को पीछे ले जाइए आप। तेलिया सांप जो होता है ना सर, ये बिल्कुल जहरीला नहीं होता है। कुछ लोगों का कहना है कि तेलिया सांप अगर शरीर में चढ़ जाए या अगर काट ले तो ये एक तो काटता नहीं है, ये जस्ट रेंगते रहता है। धीरे धीरे ये लंबाई को अपना बढ़ा लेगा, फिर सिकुड़ जाएगा। तो वार्म स्नैक के रूप में हम इसे जानते हैं। वार्म स्नैक जहरीला नहीं होता, हिंदी में तेलिया सांप, इंग्लिश में वार्म स्नैक। गूगल ऐप पर अगर आप जाओ तो वहाँ आप सर्च करके देख सकते हैं, ये बिल्कुल नॉन वेनमस होता है। और इस बारिश के मौसम में अक्सर ये सांप लोगों के बेडरूम तक पहुंच जाता है, किचन, बेडरूम, डाइनिंग तक। तो ये जो बारिश का मौसम है ना, इस मौसम में आप फिनाइल का छिड़काव करें। क्या चीज़ का करें? फिनाइल का, कार्बोलिक एसिड का खास करके। और ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक वृक्ष लगाइए, पेड़ लगाइए, पौधा लगाइए और अधिक से अधिक पानी को बचाइए। सेव ट्री सेव लाइफ, जल ही जीवन है। तो दोस्तों, आज हमारे मंच पर आ चुके हैं हमारे प्रोफेसर साहब और शैडो स्टूडियो के मालिक हमारे बड़े भैया। इनके सामने अवेयरनेस के तौर पर दिखलाया जा रहा है, यही है असली वार्म स्नैक, जिसे हिंदी में तेलिया सांप के नाम से जानते हैं। ये बिल्कुल नॉन वेनमस होता है, ये जहरीला होता ही नहीं है और ये बिल्कुल स्वस्थ है और ज़िंदा है। जब ये चलेगा तो ये दूरी को, ये ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा और ये जहरीला नहीं होता है। अगर ये आपके शरीर में कहीं टच कर जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके अंदर आत्मा अगर डर फील कर रहे हैं तो सिर्फ आप सेवलॉन और डिटॉल से वहाँ साफ़ कर लें। और हम तो जंतु प्रेमी आदमी ही हैं, इसीलिए हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारा इस पर पढ़ाई लिखाई है। तो दोस्तों, आपने लाइव देखा, जो भी जीव जंतु हैं वो हमारे इको फ्रेंड हैं, पर्यावरण मित्र हैं। और पर्यावरण में सांपों को बचे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आहार श्रृंखला की मुख्य कड़ी है सांप। और सांप नहीं, सांप के नाम से डर है, भय है, खौफ है, आतंक है। तो दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।